नमस्कार एएस न्यूज, आपका सच में आपका स्वागत है। यूपी के गाजीपुर में जहां श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा के दौरान एक प्रवासी महिला की मौत हो गई। श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रवासियों को सूरत से लेकर गाजीपुर आ रही थी। इसी दौरान ट्रेन में यात्रा कर रही 30 वर्षीय महिला अन्नपूर्णा देवी की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। स्पेशल ट्रेन में सवार प्रवासी महिला को इलाज के लिए गाजीपुर के ओरिहार स्टेशन पर उतारने की तैयारी की जा रही थी कि इसी दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। फिलहाल महिला के शव को ओरिहार स्टेशन पर उतारा गया, जहां से उसका शव एम्बुलेंस से गाजीपुर भेजा गया। मृतका मऊ की रहने वाली थी, जो सूरत से गाजीपुर आ रही थी। फिलहाल पंचनामा भरकर महिला के शव को परिजनों के हवाले किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। जबकि गाजीपुर सिटी स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन से पहुंची एक अन्य महिला की भी तबीयत बिगड़ गई, जिसका प्राथमिक इलाज किया गया। ये महिला श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 092 से सूरत से गाजीपुर सिटी के लिए जा रही थी और महिला का 10 दिन पहले लगभग डिलीवरी हुआ है। एक बच्ची है छोटी सी और रास्ते में अचानक तबीयत खराब हो गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। और इसकी सूचना ओड़ियार चौकी को मिली है, चूँकि वहाँ चौकी प्रभारी आवास में है और जिसके पंचनामा की कार्रवाई यहाँ से की जा रही है और परिजन इसके पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं स्वेच्छा से। और साथ में मृतक के पिता भी हैं और हम उसके हस्बैंड भी हैं, दोनों लोग हैं। कोई आपत्ति नहीं है उन लोगों को और पंचनामा की कार्रवाई करके डेड बॉडी सबके सहूलियत दिया जा रहा है। खबरों को देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।